तो गाइज, मैं आपका दोस्त कमलेश और लौट करा चुका हूँ टिकटॉक की एक नई स्लो मोशन वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टिकटॉक एप्लीकेशन में ही स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वहाँ से काफ़ी प्रोफेशनल स्लो मोशन वीडियो बनाई जा सकती है। तो किस तरह से बनाना है आज की इस वीडियो में, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, आपका कैमरा ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बड़ा सा बटन दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आपको दोस्तों पांच ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो इस तरफ का ऑप्शन है यहाँ पर 0.3x, उसके बाद 0.5x का जो ऑप्शन है दोस्तों आपका स्लो मोशन का ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों ये जो 1x है ये दोस्तों आपका नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए है। उसके बाद देन इसके बाद जो है 2x 3x ये दोस्तों आपका फास्ट मोशन वीडियो बनाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वीडियो को बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने कैमरे को फ्रंट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप जैसे मैं एक नॉर्मल वीडियो थोड़ा सा शूट करता हूँ, उसके बाद दोस्तों अब इसी में लगाना चाहता हूँ स्लो मोशन। तो चलिए मैं इस स्लो मोशन वाले ऑप्शन पर करता हूँ इस चीज़ को, उसके बाद फिर से वीडियो को शूट करता हूँ। तो इस तरह से स्लो मोशन वाली वीडियो दोस्तों ये है। तो उसके बाद शूट हो चुकी है, अब प्रोसेसिंग हो रहा है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल वीडियो, उसके बाद दोस्तों ये स्लो मोशन वीडियो। इस तरह से जोड़कर दोस्तों आप काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं स्लो मोशन। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई कमेंट या सुझाव है तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।